नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी का स्थापना दिवस है आज। यूपी समेत देशभर में पार्टी कार्यक्रम, बूथ स्तर पर पार्टी कार्यक्रम करेगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बूथ स्तर पर पार्टी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं 1,63,000 बूथों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आला नेता डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार भी करते नजर आएंगे। तो बीजेपी का आज स्थापना दिवस है और आज स्थापना दिवस के मौके पर यूपी समेत देश भर में कई पार्टी कार्यक्रम का आयोजन होगा। बूथ स्तर पर पार्टी कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। कई आला दिग्गज नेता डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आएंगे। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी। पार्टी के बड़े नेता भी शिरकत करेंगे। आला नेता डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार भी करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी दल चुनावी प्रचार की आगाज कर चुकी है। इसी कड़ी में बीजेपी भी चुनावी प्रचार प्रसार की ओर अग्रसर हो रही है। कई तस्वीरें भी सामने आ रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, आज पार्टी के स्थापना दिवस है और इसी मौके पर डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आएंगी आला अधिकारी। क्या कुछ जानकारी आपके पास लखनऊ से, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हालांकि देश भर में कई राज्यों में आज जो तमाम बाहरी जो दलों के जो नेता हैं उनको पार्टी में शामिल करने का भी अभियान चल रहा है। और लखनऊ में आपने देखा भी है कि ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम आज तमाम राजनीतिक दलों को जो नेता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल कराया गया है। दूसरा कार्यक्रम यह है कि घर 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 जाकर के कैंपेनिंग करना और उत्तर प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लेकर के जनता के बीच पे जाना और भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन, यानी इस समय चुनावी माहौल है, 2024 का रण बिगुल फूंक चुका है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस स्थापना दिवस को और यादगार बनाने के लिए देश भर में अभियान चला रही है। क्योंकि इस चुनाव के ऐसे अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य रखा है और देश भर में 400 से पार सीटों का इस बार लक्ष्य है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, वो चाहे बड़े नेता हो उत्तर प्रदेश सरकार के या फिर केंद्र सरकार के बड़े नेता हो, वो लगातार आज अभियान चलाएंगे, कैंपेनिंग करेंगे और कोशिश सबसे बड़ी ये है कि आज के दिन एक रिकॉर्ड बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी में। जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनमें से तमाम नेता आज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लगातार इस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री के कई दो जिलों में उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री चूंकि पश्चिम क्षेत्र में उन जिलों में आज सहारनपुर जैसे जिलों में जाएंगे और वहां पर अपना बिगुल फूकेंगे, क्योंकि पहला जो चरण का चुनाव है पश्चिम से ही शुरू होगा, तो निश्चित रूप से वहां पर आज शक्ति प्रदर्शन भी होगा और पार्टी का स्थापना दिवस है, एक संदेश भी वहां पर देंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और देशवासियों को लिए। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी करीब 44वां स्थापना दिवस आज मना रही है। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और तब से अब तक का जो उतार चढ़ाव भारतीय जनता पार्टी में रहा है वो एक इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और जब से हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की कई बार सरकार बनी, उसके बाद जब 2014 से अब तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बन चुकी है, तीसरी बार सरकार बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि तीसरी बार देश में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। और यही वजह है कि देश के लक्ष्य की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की लक्ष्य की बात करें, एक बड़ा लक्ष्य है, बड़ा, हालांकि काफी चुनौती। अनूप, आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि आज कौन कौन से ऐसे जगह है जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि आप बता रहे थे कि सहारनपुर में प्रधानमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री कहां पर जाने वाले हैं, आला अधिकारी किन किन जगहों पर जाकर यहां से बहुत कुछ यहां पर संदेश देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी है। अब देखिए, ये जो डोर टू डोर कार्यक्रम है वो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है, बूथ स्तर पर चलाया जा रहा है, जिला स्तर पर चलाया जा रहा है, यानी सबकी जिम्मेदारी कल तय हो गई थी कौन किस जिले में मंत्री रहेगा, कौन किस जिले में बूथ स्तर पर
कार्यकर्ता उसका जो जिला मंडल अध्यक्ष होता है उसकी अगुवाई में डोर टू डोर कैंपेनिंग चलेगा। जिला स्तर पर प्रदेश स्तर पर जो पदाधिकारी हैं आज उनका क्या काम है इसको लेकर के, तो कुल मिला के पूरा खाका कल तैयार हो चुका है, आज उस पर इम्प्लीमेंट होना है। और यही वजह है कि सुबह से जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर भाजपा पार्टी के पदाधिकारियों की बात करें, वो उनका जो जो काम निर्धारित है वो शुरू कर चुके हैं। आज सुबह 9 बजे पार्टी कार्यालय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे। तमाम राजनीतिक दल के जो नेता, चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, ऐसे तमाम राजनीतिक दल हैं जिनके तमाम जो पूर्व सांसद हैं वो आज पार्टी समाज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। तो कुल मिला के आज का जो सबसे बड़ा जो अभियान है वो पार्टी को मजबूत बनाना, पार्टी में अन्य सदस्यों को जोड़ना, ताकि देश की वर्तमान में तो देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भी एक बड़ी पार्टी रूप में उभरे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी की देश में सरकार बने। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी का आज स्थापना दिवस है और यहाँ पर जो तमाम नेता हैं, जो तमाम दिग्गज नेता हैं, वो हर बूथ स्तर पर जाकर यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। पीएम मोदी आज वेस्ट यूपी के दौरे पर है। बड़ी जानकारी, सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम योगी भी शिरकत करेंगे, जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी का मिशन वेस्ट यूपी आज सहारनपुर दौरे पर, प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी, जयंत चौधरी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड, हरियाणा के सीएम भी शिरकत कर सकते हैं। एक हफ्ते में वेस्ट यूपी में ये दूसरी बार प्रधानमंत्री की ओर से रैली की जा रही है। तो ये सहारनपुर में आज प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और यहां से जनसभा की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी भी रैली में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस रैली में शिरकत कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी सहारनपुर से दे रहे हैं। सहारनपुर में तमाम तरीके की यहां पर व्यवस्था की गई है आज रैली को लेकर के, और आज प्रधानमंत्री सहारनपुर में नजर आएंगे रैली करते हुए। सीएम योगी भी शामिल रहेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं इस रैली में। तो ये बड़ी जानकारी सहारनपुर से दे रहे हैं। तो मिशन वेस्ट यूपी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भी रहेंगे, आरएलडी नेता भी रहेंगे। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं। टीएन, यहां पर प्रधानमंत्री आज फिर सहारनपुर के दौरे पर है और यहां से क्या कुछ संदेश देने की कोशिश करेंगे आज? देखिए खुशबू, लगातार प्रधानमंत्री यूपी के चुनाव बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और मैं देख रहा हूँ शुरू से ही वो जो लगातार जो है दौरे पर बना रहे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश पे सबसे ज्यादा उनकी खास नजर है, क्योंकि पश्चिम की सीटों पर हासिल करने के लिए पहले चरण चुनाव 19 अप्रैल को होना है। तो इसके लिए आज सहारनपुर पहुंचेंगे, सहारनपुर नहीं इसके आसपास की जो सीटें हैं उनको भी जो है वो संदेश देंगे और वहां के लोगों को भी बेहतर से बेहतर भाजपा योजनाओं के बारे में बताने के साथ ही उन्हें राष्ट्रवाद और जो है हिंदुवाद के मुद्दों से जोड़ेंगे। माना है जरा प्रधानमंत्री भाजपा की नीतियों से अवगत कराते हैं लोगों से जो है ये, लेकिन सबसे बड़ी बात है उनके साथ यूपी के सीएम तो रहेंगे ही और उत्तराखंड और हरियाणा के सीएम भी रहेंगे। तो ये सीटें जो आज जो पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जो उधर लगा हुआ उत्तराखंड से, तो उन मतदाताओं को भी इसी बहाने जो पीएम साधेंगे और पीएम जो है के साथ जो सीएम को होना तीनों, ये और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़ा भाजपा लगातार अपना यूपी में 80 सीटें हासिल करने का टारगेट इसने बनाया है। तो ये टारगेट कैसे हासिल होगा इसके लिए जो है पहले दिन से पीएम मोदी और सीएम योगी लगातार लगे हैं, वो लगातार सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जो है लोगों को भाजपा की नीतियों से और भाजपा के कार्यों से अवगत भी करा रहे हैं, प्लस भावी योजनाओं को लेकर के भी वो लोगों से बात कर रहे हैं और वो जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश की छवि बनी है इसको लेकर के भी वो लोगों को जो है ला रहे हैं। इसीलिए वो लगातार करें कि 370 जो धारा हटी है तो हर बूथ पे 370 वोट ज्यादा मिले भाजपा को, तो पिछली बार से इस बार 370 वोट ज्यादा हर बूथ पे मिले, तो एक एक बूथ को वो जो है लगातार जो है अपना टारगेट पे रखते हैं। जी खुशबू, टीएन मिश्रा जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बात किया है कि उत्तराखंड के और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे, तो क्या लगता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री का मिशन है कि 400 पार, यहाँ पर इन दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ क्या जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है? नहीं देखिए, लगातार भाजपा जाति समीकरण
और जो सामंजस्य बना रही है, क्योंकि चाहे टिकटों की बात हो और चाहे वो अपनी जो है विधानसभाओं की बात हो जी, तो उसको जो है अभी देखिए जहाँ जहाँ भी जाति समीकरण गड़बड़ थे उनको ठीक किया, उनके मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जोड़ा। हरियाणा में नए मुख्यमंत्री बदले, उनके मंत्रिमंडल में जाति समीकरण के चक्कर में ही जो है पुराने मुख्यमंत्री उन्हें हटाना पड़ा। तो जातीय समीकरण भाजपा के एजेंडे में सबसे ऊपर है कि उसको पता है कि जो मतदाता जातीय प्रभाव से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, तो उसको लेकर के वो लगातार इस पर ध्यान भी रख रहे हैं और उसी हिसाब से जो है प्रत्याशी कई जगह बदले भी जाते हैं, क्योंकि जाति समीकरण जाना है फिर बैठता है, जब विरोध शुरू होता है तो उसको बदला गए, जब उसमें चाहे विपक्ष भी है विपक्ष भी लगातार अखिलेश यादव भी प्रत्याशी बदल रहे हैं, कांग्रेस ने भी प्रत्याशी बदले, तो ये सब जो है जातीय समीकरण चलते सभी दल करते हैं। जी टीएन मिश्रा आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी सहारनपुर से महेश भार्गव जुड़ चुके हैं। महेश, यहां पर सहारनपुर में किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, आज रैली होने वाला है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं अभी मंच पे, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और कैराना और सहारनपुर संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जसवंत सैनी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ब्रजेश सिंह और दूसरे वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की हुई है, एरिक जोन के एडीजीपी खुद दो दिन से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए आए हुए हैं और चप्पे चप्पे पर उन्होंने मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए फोर्स लगाई हुई है। अभी हमें जो सूचना है जी, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। ओवर जी। महेश, लोकसभा चुनाव सामने है, उसी को लेकर रैली प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप देख भी रहे किस तरह से भीड़ यहाँ पर जुट रही है, क्या यहाँ पर जातीय समीकरण साधने की कोशिश और इस मंच से क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जाएगी प्रधानमंत्री की ओर से? मैं अभी आपको यहाँ पर जो पंडाल है लगभग 2 लाख की भीड़ कैपेसिटी का पंडाल है वो खचाखच भरा हुआ है जी, इससे तो बड़ा साफ लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो जनता में अप्रोच है वो बहुत नीचे तक है। दूसरी बात, जातक जातीय समीकरणों की बात है, उस समय मोदी और योगी के नाम पर उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों को तोड़कर कोई भी मतदाता जातीय समीकरणों को छोड़कर कमल के फूल और मोदी जी को वोट करना चाह रहा है। सहारनपुर में इस समय लगभग 15,58,000 मतदाता है, इनमें से लगभग 39% मतदाता मुस्लिम है और लगभग 21% मतदाता यहाँ पर दलित समाज के हैं और शेष सभी हिंदू समाज के मतदाता है जी। महेश भार्गव, टीएन मिश्रा आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर उत्तराखंड हरियाणा के सीएम भी मौजूद रहेंगे। सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रैली होने वाला है, इसमें कई मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, कई बड़े दिग्गज शिरकत करेंगे और यहां से चुनावी प्रचार का की शुरुआत की जाएगी। तो एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है गाजियाबाद से, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। पीएम मोदी का आज गाजियाबाद में भी रोड शो है, शाम करीब 4:30 बजे रोड शो की शुरुआत होगी, करीब 2 किलोमीटर तक ये रोड शो किया जाएगा। खालका घड़ी चौक पर मंच बनाया जा रहा है, लोगों को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इस तरह की भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो गाजियाबाद में प्रधानमंत्री का रोड शो होगा, खालका घड़ी चौक पर मंच बनाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी हर जगह पर जाकर के चुनावी प्रचार की का शुरुआत करते हुए और यहां से बड़ा संदेश देते हुए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। टीएन, आज गाजियाबाद में भी प्रधानमंत्री रोड शो करते नजर आएंगे। हाँ देखिए खुशबू, प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम अचानक बना है कि जो उन्होंने गाजियाबाद को अपने उसमें शामिल किया, यूपी की जो है गाजियाबाद स्टार्ट है वहाँ से, तो गाजियाबाद में सभा का जो रोले और सभा करेंगे कि रोड शो करके वो ये दिखाएंगे किस तरह भाजपा साथ लोग जुड़े हुए हैं, पब्लिक कितना भाजपा के साथ है। और ये स्वाभाविक, जब पीएम का रोड शो होता है तो अभी हम लोगों का अयोध्या में देखा, बनारस में देखा, फिर रोड शो में कतारों मतलब 1.5 घंटे जो है
सड़क जाम रही पूरी और डेढ़ घंटे का रोड शो चलता रहा। तो ये जो रोड शो होगा तो ये तो चुनाव संबंधित है जिसमें भाजपा पूरी ताकत झोंकेगी और ये माना जा रहा है कि रोड शो से जो भाजपा को फायदा भी मिलेगा कि जब पीएम आएंगे तो उनके प्रत्याशी में रक्षा मंत्री भी साथ उनके साथ रहने की उम्मीद है, बताई जा रही है कि रक्षा मंत्री पहले भी गए थे वहाँ पे और गाजियाबाद से जो है लगातार जो है जो भाजपा नेता है उनको सबको जो है इकट्ठा करके और जो जो सॉरी जो बीके सिंह जी का टिकट काटा गया था तो इसको देखा दे करके भाजपा थोड़ा सतर्कित थी लेकिन अब उसको जो है इस बीके सिंह के टिकट कटने के बाद अब माना जा रहा है बीके सिंह भी आज रैली में मौजूद रहेंगे जिससे जो है ये संदेश न जाए कि कोई किसी तरह की मुखालफत है या किसी तरह के खिलाफ है वो। तो इससे जो है भाजपा अपने समीकरण मजबूत कर रही है और अपने जो है सारे जो है मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए लगातार जो है ग्राउंड स्तर पर काम कर रही है। जी खुशबू, टीएन सबसे बड़ी बात की आज लोगों को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इस तरह की भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है गाजियाबाद से। हमेशा जिस तरह से वो संबोधित करते हैं लोगों को, अगर विपक्ष पर विपक्ष की बात करें विपक्ष पर कटाक्ष करते नजर आते हैं और वो ना सारे जातिवाद समीकरण की यहाँ पर बात करते नजर आते हैं, लेकिन आज वो कौन सी ऐसी बड़ी बातें होगी जो जनता तक पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी प्रधानमंत्री की ओर से? देखिए पीएम सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष तो निशाने उनके रहता ही है लगातार हमेशा है कि उनका कहना विपक्ष किसी काम का नहीं है, विपक्ष अब एकजुट भी नहीं है, विपक्ष आपस में लड़ रहा है, ये तो उनकी सभाओं में होता भी है, राहुल गांधी उनके निशाना होते हैं, अखिलेश यादव उनके निशाना होते हैं, लेकिन ये जहां तक बात है पीएम जो है अब आगे देश को ले जाने की रफ्तार किस देश की प्रगति होगी, कैसे देश आगे बढ़ेगा, ये बातें भी अब जो है अपनी सभाओं में, सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहते हैं, वो कहते हैं हम तो अब 40 साल आगे के भारत की बात कर रहे हैं, हम कहां जो है अब जो है अगले चुनाव की ओर बात कर रहे हैं। तो पीएम अपनी जीत के लिए अगली बार प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी रूप से आश्वस्त है और लगातार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कहते भी है कि अब की बार मोदी सरकार होगी और 400 आंकड़ा जो है पार होगा, तो ये उनका अपना नारा है। साउथ में भी देखा उन्होंने लगातार इसी बात पर जोर दिया कि हम सरकार बनाएंगे और हमारे समक्ष कोई नहीं है। अब विपक्ष कितना इसका मुकाबला कर पाता है तो समय बताएगा, लेकिन पीएम की हुंकार बहुत बड़ी है और पूरे रूप से जनता उनके साथ खड़ी है ये माना जा रहा है। जी तो टीएन मिश्रा आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन आज गाजियाबाद में प्रधानमंत्री का रोड शो है और यहाँ से पीएम मोदी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। 2 किलोमीटर तक का ये रोड शो होगा और इसमें कई दिग्गज नेता भी शिरकत करेंगे। तो एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी जानकारी बड़ा अपडेट मिशन असे के लिए सीएम योगी की रैलियां, सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, आज सहारनपुर बिजनौर के दौरे पर है। सहारनपुर में पीएम मोदी की रैली में शिरकत करेंगे, बिजनौर में भी आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी भी इसमें शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे, नगीना में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे, तो वहीं सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, यहां पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कभी रोड शो कभी रैली के जरिए यहां पर अपने पक्ष में वोट की अपील करते हुए, तो आज नगीना में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे सीएम योगी। सीएम योगी भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं आज सहारनपुर बिजनौर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शिरकत करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि बिजनौर में आरएलडी के लिए भी वोट मांगते नजर आएंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा बने हुए हैं। टीएन मिश्रा जानना चाहेंगे कि प्रत्येक तरफ प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में लगे हुए। देखिए खुशबू, सीएम योगी आदित्यनाथ 15 दिन से लगातार प्रचार पर लगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश उनके पूरे टारगेट पे है और पश्चिम उत्तर प्रदेश पहले चरण का जो चुनाव की सीटें हैं हर संसदीय क्षेत्र में वो 3-3 सभाएं करने को उन्होंने अपना टारगेट बना रखा है और लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं। तो नगीना में आज दो सभाएं जो है बिजनौर जिले में कर ही रहे हैं और इन दो सभाओं से पूरा जो है लोगों को साधेंगे, साथ ही जो है आरएलडी के उनके साथ आ जाने से पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति थोड़ा मजबूत भी हुई है क्योंकि एक दूसरे को दोनों जब सहयोग करेंगे तो स्वाभाविक है थोड़ा वोट बैंक भी मतदाता बढ़ेगा, तो जो परसेंटेज इनका बढ़ेगा तो इससे भाजपा को फायदा मिलेगा और इसी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि हम 80 में 80 सीटें यूपी में हासिल करेंगे। तो पहला टारगेट पश्चिम उत्तर प्रदेश है और जब पहले चरण का जहां चुनाव होना है उन सीटों पर लगातार वो जा रहे हैं और लगातार वो मत भी रहे हैं। अभी देखना यह है कि इसका असर मतदाताओं पर कितना पड़ता है, लेकिन उनकी सभाओं में भीड़ हो रही, लोग एकत्रित हो रहे हैं और योगी अपनी बात पूरे रूप से प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो गरीबी उन्मूलन के लिए काम किए हैं, जो उन्होंने गरीबों को आवास देने के लिए काम किए हैं और जो प्रदेश के हित के लिए
लोग काम कर रहे हैं वो बताने से चूकते भी नहीं है, और राम मंदिर की बात भी खुल के करते हैं, एकदम खुल के कहते हैं राम मंदिर आया है, मथुरा की बारी है। तो ये सब बातें कह के आम जनता में जो है उनको धार्मिक भावनाओं से भी जोड़ते हैं और जो है प्रदेश की प्रगति से जोड़ते हैं। जी खुशबू, तो बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी का चुनावी प्रचार अभियान शुरू है किसी तरफ से, तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ तो प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए, लोकसभा चुनाव से पहले कई दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज लखनऊ में कई दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। इस दौरान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूं, आप सभी अपने क्षेत्र में बूथों पर जुटकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ले रखा है कि भारत अब विकासशील नहीं विकसित राष्ट्र होगा, उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आप सबने भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है। हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है कि आप सब अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने बूथों पर लग करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, और यहां से प्रण लेकर के जाएंगे कि हम 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने के लिए जुटेंगे। जहां भी आपका वोट पड़ता हो, जो भी आपका बूथ है, वहां आप सब जुट करके 370 प्लस वोट लाने का काम करेंगे, और अपने अपने क्षेत्रों में प्राण पक्ष से जुट करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में 80-80 सीटें जीतने के लिए काम करेंगे। अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। महोबा में मशीनरी की दुकान में लगी है आग, लाखे मचा हड़कंप, करीबन 10 लाख रुपए का हुआ है नुकसान। महोबा में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाता हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, 8 तमंचे, 1 देसी राइफल, कारतूस सहित कई उपकरण हुए हैं बरामद, गांव के बाहर चल रही थी असलाहा फैक्ट्री। प्रयागराज में अधिवक्ता और आरपीएफ के जवानों में हुई है मारपीट, अधिवक्ताओं ने जवानों पर लगाए वसूली का आरोप, जीआरपी में की कार्रवाई की मांग की गई है। अमेठी में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव का बयान, बोले अमेठी और रायबरेली के सीट से कांग्रेस का पुराना नाता, पार्टी हाईकमान सोच समझकर करेगी फैसला। मथुरा में पुलिस की अभियुक्त से बर्बरता, बिना कपड़ों के आरोपी की जमकर की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। आगरा में खेत में काम कर रहे मजदूर को पैर में लगी, घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती, 2 घंटे की देरी से हुआ मजदूर का मेडिकल। बुलंदशहर में एक हॉस्पिटल संचालक खिलाफ एफआईआर, नाबालिग के डिलीवरी कर नवजात को बेचने का आरोप, हॉस्पिटल संचालक ने आरोप को फर्जी बताया। बरेली में अनियंत्रित हुआ तेज रफ्तार कंटेनर, मोटरसाइकिल को बचाने में हुआ हादसा, ड्राइवर की हालत गंभीर। एटा में कबाड़ी के गोदाम में लगी है भीषण आग, स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया है काबू। मेरठ में 2 दुकानदारों में जमकर मारपीट, 2 युवक हुए हैं लहूलुहान, पुलिस ने 3 लोगों को किया है गिरफ्तार, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।